सो हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं. और आज है संडे का दिन और हमें कुछ भी करने को नहीं था. सुबह का टाइम हमने पूरा सारा काम कर दिया, हमने कपड़े वगैरह धो दिए हैं, जितना भी था. और आज का मौसम थोड़ा ऐसे ही है, चिपचिपा सा, अजीब सा. तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कहीं घूम के आते, क्योंकि संडे का दिन होता है जिसमें आप बाहर जा सकते हो. तो अभी हम जा रहे हैं कहीं, पता नहीं है हमें. हमने दो तीन जगह डिसाइड की है जो हमने देखी नहीं है अभी तक, पर देखते हैं कहाँ जाते हैं. आप बने रहो ब्लॉग में, आपको भी बताएंगे. और अभी हम चलते हैं यहाँ से फटाफट. ये देख रहे हैं कि कहाँ जाना है. देखना पड़ेगा पहले कितना दूर है, कहाँ पे जगह. हाँ, का एक्चुअली पता नहीं है कहाँ पे है ना. हाँ, तो मिलते हैं आपको. सो अभी हम चल पड़े हैं. चल क्या पड़े हैं, पहुँचने वाले हैं. पहुँचने वाले हैं ना, बस पांच मिनट में पहुंचने वाले हैं. पांच मिनट में आपको पता लग जाएगा किधर जा रहे हम. चलो आगे मिलते हैं, आगे बताएंगे आपको. सभी चलते हैं, हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे. और हम कहाँ आए हैं? हमारी डेस्टिनेशन है गसोता महादेव का मंदिर. गसोता महादेव का मंदिर हमीरपुर में, हमीरपुर से कोई 8 किलोमीटर. हाँ, 8 किलोमीटर अंदर आके. हाँ, गाँव में. तो भी चलते हैं, आपको, आप लोगों को भी दिखाते हैं. चलिए. माइक सेट कर लेता हूं यार, हर बार क्या चक्कर होता है कि आवाज ही नहीं आती हमारे. हाँ, ब्लॉग में बड़ी कम आती है. हर ब्लॉग में ऐसा ही होता है. तो इस बार हमने सोचा कि माइक से ही बात करेंगे. ओके भाई, पहले प्रसाद ले लेते हैं. चलो प्रसाद दो. केले वाले, केले वाला दो. ये वाले की. सो अभी हम यहां पे ले रहे हैं प्रसाद. और ये रहा काम पंचायत गसोता का. हाँ जी, दुख दे देना, एक फूल भी दे देना. हमने अभी दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हमें. हमने अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है. और अभी थोड़ा सा हम बैठेंगे यहाँ पे. और काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए हमें और काफ़ी अच्छा लगा. अभी तो इस मंदिर का काम चला हुआ है थोड़ा बहुत. हाँ, काम चला हुआ है ना. वैसे काफ़ी बड़ा मंदिर है. हाँ, इतना बड़ा मंदिर होगा हमें आइडिया था नहीं. हाँ, क्योंकि अंदर आके ना थोड़ा सा. और यहाँ पे ये बनाया हुआ है डायनासोर. और बड़ी अच्छी बनाई है ना, बाटिका वगैरह भी छोटे छोटे. यहाँ पे उस साइड झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं. हाँ, उस साइड बच्चों को खेलने के लिए झूले बनाए हुए हैं. काफी अच्छा और काफी बड़ा है. फूल वगैरह लगाए हुए हैं उधर. वैसे यहाँ पे भीड़ जब मेला वगैरह होता होगा इस टाइम. हाँ, गांव में है ना थोड़ा. तो काफ़ी भीड़ होती है मेले के टाइम पे यहाँ पे. चलो उस साइड चलते हैं, देखें कि बच्चों का ये. क्योंकि जिस हिसाब से बिल्डिंग बनाई हुई है बड़ी है. ओके, झूले झूलेंगे. नहीं, बच्चों के हैं तो देख रहे हैं. आओ, ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए हैं पूरे. तो अभी हम जा रहे हैं इस वाली साइड. पूरा मंदिर हमने घूम लिया है और काफ़ी बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा है. हर चीज़ की फैसिलिटी वगैरह है अंदर मंदिर में भी. और यहाँ पे एक बाटिका दिख रही थी मुझे बड़ी देर से, तो मैं इनको बोली ही चलो उधर चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं. तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम वगैरह चला हुआ था, पर हम यहाँ पर आए और थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे. तो यहाँ पे भी ये काम चला हुआ है बहुत इसका. काफी अच्छे अच्छे डायनासोर. कंगारू आपकी तरह लग रहे थे.
कंगारू भी है उसके बच्चे के साथ नीचे। अरे वाह कितने क्यूट लग रहे हैं। सुगसोता महादेव में शिवरात्रि भी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और ये जो मंदिर है इसको पांडव काल से जोड़ा गया है। ऐसा बोला जाता है कि जब भी बारिश नहीं होती है तो यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं और उसी हिसाब से अपनी मन्नत मांगते हैं पानी के लिए, तो उस तरीके से। और पूरा अभी जो मंदिर है मुझे लगता है और बन रहा है, पीछे आप देख सकते हो बहुत तोड़फोड़ हुई है, मतलब और ज़्यादा बड़ा बनेगा या इसको और अच्छे तरीके से बनाएंगे तो देखते हैं। और कभी फिर भगवान जी का बुलावा आया तो हम दोबारा फिर आएंगे, और अभी के लिए तो हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। थोड़ी देर हमने बाहर से भी इसको अच्छे से घूमा, बहुत अच्छा लग रहा था सही में। थोड़े लोग थे और अंदर कुछ लोग थे जो मंदिर के बारे में थोड़ा डिस्कस वगैरह कर रहे थे, तो हम वहाँ से आगे फिर बाहर हम यहाँ पे देख रहे थे, तो बहुत ही वाइट इसमें था और बहुत ही अच्छा है, मतलब बहुत ही सही लग रहा था। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइम हम यहाँ पर रुके, अभी चलते हैं। तो अभी बैठते गाड़ी में और वो गाड़ी तो ऐसी तपी हुई है कि बड़ी बुरी हालत है। गर्मी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा है। चल तो पानी पी लेते हैं यार, उसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। बहुत ज़्यादा गर्मी। नेक्स्ट क्या ही होगा यार, चलते हैं अब देखते हैं। बीच में कुछ हमें दिखा तो हम रुकेंगे थोड़ी देर क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखते हैं क्या करते हैं, कुछ नहीं डिसाइड। उसके बाद हम कहीं भी नहीं गए, डायरेक्ट घर के लिए निकल गए। और यस, अभी हम इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, नया कोई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, अभी के लिए बाय।